स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डोबेनियर ट्रायड्स। डोबेनियर ट्रायड्स मतलब क्या है? डोबेनियर का वो ट्रायड्स यानी कि ग्रुप ऑफ थ्री। डोबेनियर साहब जो है वो पहला ऐतिहासिक कदम उठाए थे एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। ओके, तो ये बात है 1829 का, ये बात है 1829 का, और उस समय तक 30 एलिमेंट नोन थे। ओके, उस समय तक 30 एलिमेंट नोन थे। ये ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, यानी कि उन्होंने एलिमेंट्स का तीन तीन का ग्रुप बनाया था। ओके, अब हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, देन द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज फाउंड टू अप्रोक्स इक्वल। ओके, यानी कि उन्होंने जो ग्रुप बनाया था उसका पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट का अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो सेंट्रल एलिमेंट के इक्वल पाया जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स इक्वल, ये वर्ड पे ध्यान देना है। तो उनका जो पहला ट्रायड था, आइए हम लोग उसमें चलते हैं। पहला उनका ट्रायड था Li, Na एंड K का। Li का एटॉमिक मास होता है कितना? 7। K का एटॉमिक मास होता है 39। तो Na का क्या होगा? यानी कि 7 + 39/2। ओके, यानी कि 46/2 विच इज 23। गजब हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 होता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाए थे डोबेनियर ने और एलिमेंट्स को अरेंज भी कर दिए थे। नहीं, जैसे यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो दोनों का अगर हम सम की अरिथमेटिक मीन निकाले तो वो आया 23, और वो सेंट्रल में एलिमेंट का क्या है? एकदम इक्वल है। तो इनके चारों तरफ दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। अब हम लोग इनका दूसरा ट्रायड देखते हैं। इनका दूसरा ट्रायड CaSr एंड Ba का। ओके, तो Ba का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 137 एटॉमिक मास। तो अब हम लोग को क्या करना है? दोनों का एरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी कि 40 + 137/2। ओके, विच इज इक्वल टू 88.5 के अप्रोक्स आएगा। ओके, और SR का एटॉमिक मास 87.6 होता है। नहीं, तो देखिए यहाँ पे तो इक्वल तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स इक्वल आया, तब भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि इक्वल नहीं भी तो अप्रोक्स इक्वल आएगा, तब भी चलो इनका ट्रायड जो है दूसरा वाला वो भी ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनका तीसरा ट्रायड की ओर, Cl, Br and I। ओके, Cl एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 एंड I 126.9। अब हम लोग को इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी कि 35.5 + 126.9/2 विच इज अप्रोक्स इक्वल टू 81.2। ओके, एंड Br का एटॉमिक मास होता है 79.9। देखिए यहां भी क्या है, इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स इक्वल है। ओके, अप्रोक्स इक्वल है। इसी कारण डोबेनियर का जो ट्रायड था वो आगे चल के फेल होता जा रहा था, क्योंकि ये जो अप्रोक्स का जो वैल्यू था वो आगे चलते इंक्रीज करता जा रहा था। ठीक है, तो ये डोबेनियर ट्रायड था। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, उन्होंने भी अरेंज किया था, और उनका जो है वो कैसे अरेंज किए थे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ओके, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू।